हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैंने आज भरवा तोरई आप लोग के साथ शेयर की है, इसकी रेसिपी देखते हैं। आइए, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, देखते हैं मैंने कैसे बनाई है। आइए दोस्तों, ये मैंने तोरई ले ली है आधा केजी। इसको छिलका निकाल के मैंने धुल के काट लिया है, लंबे पीसेस में काटा है, आप गोल भी काट सकते हैं। इधर एक प्याज ले लिया है, पीस से कट कर लिया है। दो टमाटर है, हरी मिर्च ले ली है, अदरक का एक टुकड़ा है। इधर लहसुन की कलियां ले ली है मैंने। इधर धनिया ले लिया गार्निश के लिए, और कुछ इसकी धनिया की स्टैम्प हम मसाले में यूज़ करेंगे। तो आगे देखिए मेरी रेसिपी पर बने रहिए दोस्तों, आगे मैंने कैसे कैसे मसाले बनाए हैं। ये ले लिया है धनिया साबित, सौंफ ले ली है, पीली सरसों है, जीरा है आधा चम्मच। इधर ये सब मसाले मैंने जो लिए हैं सब एक एक चम्मच लिए हैं, जीरा आधा चम्मच लिया है। इधर एक फ्राई पैन ले लिया है मैंने, इसमें सारा हल्का सा इनको भून लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे इन मसालों को। हल्का सा खुशबू आने लगे तब तक हम भूनेंगे इनको, हल्का सा तड़कने लगते हैं ये। अच्छे से जब भूनती है तो स्मेल आती है, खूब खुशबू आती है। इधर मैंने कलौंजी ले ली है, मैं भूल गई थी दोस्तों, मुझे याद नहीं रहा था, तो ये मैंने कलौंजी ले ली है, काली वाली जो बोलते हैं इसको, जो अचार में पड़ती है, वो मैंने डाल के भून लिया है। मसाले इधर ठंडे हो गए थे, इधर मैंने इनका पाउडर बना लिया है। बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दद्रा रखना है। देखिए दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को किस तरह से, ये देखिए इस तरह से पाउडर बनाना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। खुशबू दोस्तों इतनी अच्छी आ रही थी इसकी, बहुत अच्छी आती है। ये मैंने प्याज कट कर लिया है, इधर हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट भी हम महीन नहीं पीसेंगे, बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, मतलब देख लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें किस तरह से इसका पेस्ट पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा दद्रा रखना है इसको भी। और दोस्तों ये बताइएगा, ये जो तोरई आती है, एक तोरई होती प्लेन जिसकी स्किन होती है ऊपर से, और एक तोरई की होती है हार्ड स्किन जो होती है ना, उसको शायद झींगी तोरई कुछ कहते हैं, तो मुझे दोस्तों नहीं पता है इतने अच्छे से। प्लीज़ अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इधर मैंने धनिया की थोड़ी सी स्टेम भी डाली है, टमाटर दो पील कर लिए, छिलका उतार लिया है, देखिए दोस्तों तब मैंने डाला है। अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे, जैसा कि मैंने बताया महीन ज़्यादा नहीं करेंगे। अभी दिखा रही हूँ दोस्तों पीस के इसको, ये देखिए बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मोटा मोटा रह गया है, इस तरह से पीसना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए सब्जी की हम तैयारी कर लेते हैं, कढ़ाई रख लेते हैं। रखने के बाद सरसों का तेल हमने डाला है, सरसों के तेल में ही दोस्तों बनाइएगा, कोई और तेल यूज़ ना कीजिएगा, जहाँ तक हो सकता है आप सरसों का तेल यूज़ करिएगा, उससे सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। तेल में डाल दिया मैंने जीरा, हींग थोड़ी सी डाल दी है, दो मिर्च कट करके डाल दिए, स्लिट कर दिए दोनों मिर्चों में और कट कर दिया बीच से। देखिए जहाँ जैसे ही हमारा जीरा और मिर्च तड़केगी, भुन जाएगा हल्का सा, हम प्याज वाला जो पेस्ट था वो हम इस पर डाल देंगे। प्याज का पेस्ट जैसे ही अच्छे से भुनेगा दोस्तों, इसको ढक लेंगे, ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, हल्का सा बस थोड़ा सा ऐसे ही चटकेगा, इसको ढक देंगे मसाले डाल के। हल्दी डाल दी है, मिर्चा डाल दिए, सब मसाले जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं घर में सब्जियों में वही डाल लें, हल्दी मिर्च नमक मसाला धनिया जो भी आपको पसंद हो दोस्तों टेस्ट के अकॉर्डिंग। इधर मैंने काला नमक थोड़ा सा डाला है, मैं ज़्यादातर सब्जियों में दोस्तों काला नमक यूज़ करती हूँ, जो खड़ा आता है ना उसको पीस के रख लेती हूँ, इसकी तो बात ही और होती है दोस्तों। इसको ज़रूर डाला करिए, तोरई लौकी या कोई वैसी सब्जी बनाइए, दाल बनाइए उसमें डाल दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। ये देखिए मैंने ढक के इसको थोड़ी देर बाद खोला है, तो देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है, तेल मसालों ने छोड़ दिया है दोस्तों। ये जो हमने मसाला पीसा था ना सूखा, जो धनिया पाउडर और ये सौंफ वाला भरवा मसाला, ये हमने एक चम्मच भर के डाल दिया। आप दो चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन एक चम्मच से ही कलर कितना अच्छा आ गया देखिए दोस्तों। अगर तोरई 1 केजी है दोस्तों तो आप डाल सकते हैं 2 चम्मच,
एक चम्मच हमने इसलिए डाला था कि मसाले और भी पड़े थे ना इसमें, भी तीखा हो जाता, बच्चे भी नहीं खा पाते। इधर तोरी मैंने डाल दी है, इसको मिला देंगे अच्छे से और ढक देंगे दोस्तों। इसको ढकने के बाद 4 से 5 मिनट तक ढकेंगे, ज़्यादा देर नहीं ढकेंगे। तोरी देखिए पानी छोड़ेगी, अभी कितना पानी रिलीज होता है इससे। तोरी कभी भी बनाइए, ढक के बनाइए, पानी छूट जाता है। देखिए दोस्तों अभी और छूटेगा इसमें मसाले में। तेल मसाला सारा जो है तोरई में कितने अच्छे से रम गया है। देखिए दोस्तों ये देखिए तोरई हमारी बन के तैयार है। पानी था लेकिन पानी मैंने गैस की फ्लेम तेज करके थोड़ा सा जला दी, क्योंकि तोरई बहुत पानी छोड़ती है, पानी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, इसमें पानी खुद में खुद बहुत होता है। ये देखिए मैंने सर्व करके दिखा लिए दोस्तों आपको, ये तोरई कैसी बनी है बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बना के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।